हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई हुई बंगाली मूवी जानवर को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2/10। इस मूवी में हमको लॉकडाउन में हुई एक सच्ची घटना की कहानी के बारे में बताया गया है, जहाँ कुछ चोर एक घर में घुस जाते हैं और पूरा परिवार उन चोरों का सामना कर पाता है या नहीं, ये हम मूवी में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मूवीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए सीधे लेके चलती हूँ आपको मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं। वो लोग एक कॉलोनी में हुई घटना की इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। ऑफिसर अपने साथी को बताता है कि यह घटना रात के 12 से 4 के बीच में हुई है। मेन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है कि तुम बाहर जाके लोगों से पूछताछ करो और घर के अंदर मैं जाता हूँ। अब वो ऑफिसर घर में छानबीन करने लगता है। अब वो एक रूम में जाता है तो उसको एक लड़की मिलती है। वो जैसे ही उस लड़की के पास आता है, वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो घबरा कर बाहर आ जाता है तो ड्राइंग रूम में उसको एक बच्ची दिखती है। वो उस बच्ची से कुछ पूछता, मगर वो भी चीखने लग जाती है। अब वो एक और रूम में जाता है, जहाँ उसको फाइनली एक लेडी मिलती है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। अब वो औरत भी उन दोनों की तरह चिल्ला रही होती है और पुलिस वाले को पास न आने को बोलती है। पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फिर से ड्राइंग रूम में आकर उस बच्ची से बात करने लगता है। बड़ी मुश्किल के बाद से वो बच्ची शांत होकर पुलिस वाले को बताने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम हवेरिन है और कल रात उसका जन्मदिन था। अब हम व्यूवर्स को सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हवेरिन अपनी बड़ी बहन सबरीना के साथ सो रही होती है। अब वो सुबह नींद से जागती है। वो बहुत एक्साइटेड थी कि आज उसका बर्थडे है, मगर अगले ही पल वो निराश हो जाती है कि आज मेरा बर्थडे है और ये सब लोग सो रहे हैं। वो अपनी बहन को उठाने की कोशिश करती है, मगर सबरीना गहरी नींद में होती है। अब वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आती है, जहां उसका भाई चेयर पर बैठा होता है। हवेरिन का भाई दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर होता है। अब हवेरिन की माँ उसके भाई को खाना खिलाने आती है। हवेरिन अपनी माँ से गुस्से में पूछती है कि आज मेरा बर्थडे है और कोई भी मुझे विश क्यों नहीं कर रहा। हवेरिन की माँ कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आज नहीं कल है, तुम्हारा बर्थडे हम लोग आज रात 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। हवेरिन अपनी माँ से कहती है कि मेरा बर्थडे खूब धूमधाम से मनाना, मेरे सारे दोस्तों को भी बुलाना। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है बेटा, और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, ऐसे में हम किसी को घर पर नहीं बुला सकते, इसलिए हम लोग ही तुम्हारा बर्थडे मिलजुल कर सेलिब्रेट करेंगे। हवेरिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो आकर अपनी बड़ी बहन को उठाती है, जो कि अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी बहन गुस्सा हो जाती है। हवेरिन को उदास देखकर उसकी बहन शांत होती है और उसको मनाने लग जाती है और कहती है तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुमको अच्छे से तैयार करूंगी। इससे हवेरिन खुश हो जाती है। अब फिर से अपनी माँ के पास वो आती है और पूछती है कि मैं केक कटिंग कब करूंगी। उसकी माँ कहती है रात 12 बजे हम तुम्हारा बर्थडे केक काटेंगे, लेकिन इसके लिए जल्दी ही तुम्हें सोना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली मिलकर हवेरिन के बर्थडे की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। हवेरिन के फादर आउट ऑफ टाउन रहते थे, तो उनकी माँ उनको वीडियो कॉल करके सारी प्रिपरेशन दिखाती है कि देखो आज हम लोग हवेरिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हवेरिन बर्थडे की प्रिपरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और एक्साइटेड भी होती है। अब रात को जल्दी डिनर करके सब लोग सोने चले जाते हैं, मगर हवेरिन को एक्साइटमेंट के मारे नींद ही नहीं आ रही होती। वो अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि सो जाओ, अभी थोड़ा टाइम है। उसके बाद वो अपनी बहन के पास आती है, लेकिन वो भी उससे कहती है कि जाओ प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, आज तुम मम्मी के पास जाके सो जाओ और जब टाइम आएगा तो हम सब उठ के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हवेरिन अब वापस से ड्राइंग रूम में आ जाती है, नींद उसको नहीं आ रही थी। वो डेकोरेशन को देखकर एक्साइटमेंट के मारे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को इमेजिन करने लग जाती है और सोफे पर ही सो जाती है। अब आधी रात को हवेरिन के घर में कोई आदमी घुसता है, उसने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ था। उसके बाद वो मेन डोर ओपन करके अपने बाकी के साथियों को अंदर बुला लेता है। उन चोरों के लीडर का नाम काजिम होता है। काजिम का बेटा परवेज भी उन सब में शामिल था, और जो बाकी के चोर आए होते हैं उनके नाम होते हैं ओपन, हलाल और बशीर। काजिम का बेटा परवेज कहता है कि उसको हवेरिन की बड़ी बहन के साथ सेक्स करना है। काजिम ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि हम यहाँ चोरी करने का प्लान बनाकर आए हैं और तुमको ये सब करने की पड़ी है। अब उसमें से एक चोर कहता है कि इनके घर में कहीं 20 लाख रुपए हैं। सब लोग तुरंत उन पैसों को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर पैसे खोजने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग स्मिति के कमरे में घुसते हैं और उसको डराकर उससे रूम में रखे पैसे मांगने लगते हैं। उनको पैसे नहीं मिलते। वो लोग पैसों के बारे में बार बार उससे पूछते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है कि उसको कुछ भी नहीं पता। अब ये लोग स्मिति को ड्राइंग रूम में लेकर आते हैं। उन लोगों ने हवेरिन को रस्सी से बांध रखा होता है।
स्मृति उनको 30,000 रुपए लाके देती है और कासिम से बोलती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब वो लोग सबरीना के रूम की तरफ जाते हैं। वो लोग स्मृति के पागल बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं और सबरीना का रूम ओपन करवाने को बोलते हैं। सबरीना को थोड़ा डाउट सा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है बाहर, लेकिन स्मृति उसको झूठ बोलकर कहती है कि यहाँ पर सब ठीक है, प्लीज दरवाजा खोलो। अब सबरीना दरवाजा खोल देती है और सब उसको डराने लगते हैं और पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। उनको कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। वो सबरीना को लेकर हॉल में आते हैं जहाँ स्मृति और हेवरीन होते हैं। सबरीना परवेश का गमछा हटा देती है और परवेश को देखकर हैरान रह जाती है। स्मृति जब परवेश को देखती है तो एकदम से अवाक रह जाती है क्योंकि वो उनका जानने वाला होता है। अब सब लोग एक एक करके अपने चेहरे से कपड़ा हटा देते हैं। वो सब लोग जान पहचान के होते हैं। उनमें से एक रिक्शा वाला होता है जो सबरीना को रोज कॉलेज पहुँचाता था और बाकी के लोग आसपास के रहने वाले ही थे। रिक्शा वाला ने फोन पर इनको बात करते सुना था कि इनके पास 20 लाख रुपए हैं, तो इसलिए इन लोगों ने ये रॉबरी प्लान करी। स्मृति अपने रखे गहने और पैसे लेकर कासिम के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ से चले जाओ। कासिम उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं हो रहा था। अब वो स्मृति से कहता है कि जाओ हमारे लिए चिकन बिरयानी बनाओ, उसको खाकर हम चले जाएंगे। स्मृति मरती क्या ना करती, बेचारी किचन में जाके बिरयानी बनाने लगती है। अब वो लोग बिरयानी खा लेते हैं। स्मृति उनको अब जाने को बोलती है, लेकिन अब जो उन लोगों के साथ होने वाला था उसकी कल्पना भी स्मृति ने अपने सपने में भी नहीं की थी। कासिम कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, जाओ तुम तीनों तैयार होकर आओ और हमारे सामने नाचो। स्मृति रोने लगती है और कहती है कि प्लीज हमें माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। कासिम ये सुनकर स्मृति को बहुत बुरी तरह मारता है और साड़ी पहनने को बोलता है। अब वो सारे चोर उन लोगों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। अब एक एक करके ये लोग अपनी हैवानियत की हदें पार करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बारी बारी से मिलकर इन तीनों का रेप करते हैं, यहाँ तक कि वो उस छोटी बच्ची हेवरीन पर भी तरस नहीं खाते। अब जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उनमें से एक आदमी को एहसास होता है कि शायद उन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। वो चोरी करने आए थे, रेप करने नहीं। ये वही आदमी था जिसने उस छोटी बच्ची हेवरीन के साथ गलत काम किया था। काजिम कहता है कि जब रेप कर रहे थे तब ख्याल क्यों नहीं आया, अब ज्ञान बांट रहे हो। अब इन लोगों में से एक चोर बोलता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा और गहना तो आ ही गया है, तो अब हम यहाँ से खसक लेते हैं। लेकिन काजिम कहता है कि अगर हमने इनको जिंदा छोड़ दिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, हम सब फंस भी सकते हैं, इन सबको मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर कासिम को छोड़ के बाकी के लोग सहमत नहीं होते, लेकिन तभी एक आदमी ये कहता है कि इनको मार ही देना चाहिए और ये लोग बड़ी बेरहमी से उनका गला काट कर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। वह लोग कहीं ना कहीं तो जानते थे कि जो उन्होंने किया है वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पुलिस वाला ये सब जानकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। तभी दूसरा पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और कहता है कि इस घर में 4 लोग रहते थे, उनमें से एक पागल छोटा बच्चा था जो कि गायब है। अब पुलिस वाले वॉशरूम में चेक करते हैं तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। अब वो बाकी रूम में सबको देखने जाते हैं तो हम व्यूवर्स को दिखाई देता है कि सब लोग मरे पड़े होते हैं। मतलब उस घर में जब पुलिस वाला एंटर हुआ था तो वो सब कुछ उसने इमेजिन किया था कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। पुलिस वाला उन लोगों की इतनी दर्दनाक मौत देखकर रोने लग जाता है। वो फौरन अपने घर पर फोन करके अपने परिवार वालों का हालचाल पूछने लगता है जो कि दूसरे शहर में रहते थे। दूसरा पुलिस वाला बताता है कि सर इन लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देने से पहले इनका कई बार रेप हुआ, वो सब इंसान रूप में शैतान थे। अब हमको दिखाया जाता है कि अगर ये हादसा नहीं होता तो उस घर में कैसा माहौल होता, सब हेवरीन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते। ये लास्ट सीन बहुत ही इमोशनल करने वाला था। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके साथ इतना घिनौना और बुरा अंजाम हो जाएगा। मूवी के लास्ट में हमको रियल फैमिली की फाइल फोटो दिखाई जाती है जिनके साथ एक्चुअल में ये हादसा हुआ था, और फिर हम उन दरिंदों की भी फाइल फोटो देखते हैं जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सत्य घटना पर आधारित बंगाली मूवी जानवर की कहानी। ये घटना बांग्लादेश के एक शहर में कोरोना काल के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था तब घटी थी। मूवी में जो भी दिखाया गया है एक्चुअल में उससे भी कई गुना ज्यादा दर्दनाक और घिनौना हादसा उन लोगों के साथ घटित हुआ था। अभी भी उन लोगों को सजा नहीं मिली है। जो काम इन्होंने किया है उसके लिए बड़ी सी बड़ी सजा शायद कम है। वह चोरी करने के इरादे से आए थे मगर उनके अंदर के शैतान ने उनसे इतना घिनौना काम करवा डाला। और इस मूवी से हमको ये भी सीख मिलती है कि किसी अनजान से ज्यादा बातें अपने घर की शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें तो पता ही नहीं होता कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। आशा करती हूँ कि मूवी की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।